नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। बेकाबू कोरोना, बेपरवाह लोग और कोरोना का साया अब त्योहारों पर भी पड़ रहा है। लगातार जिस तरीके से सारे त्योहार कोरोना के साए में जा रही है, कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति अब नजर आ रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इसके पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आरजेडी प्रवक्ता ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार पर कसा तंज, मरीजों को झेलनी पड़ रही है संक्रमण की मार। नाइट कर्फ्यू को प्रभावशाली बनाने को लेकर सड़क पर उतरे डीएम, लोगों से की नियमों का पालन करने की अपील। बेवजह घूमते लोगों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। चौकीदार ने वर्दी का रूप दिखाकर की घिनौनी हरकत, आदिवासी महिला से किया दुष्कर्म, कैमरे से बचते नजर आए एसपी। झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, बीते 24 घंटे में मिले 4290 पॉजिटिव मरीज। रांची में मिले सबसे ज्यादा 1404 मरीज, रांची में हुई 14 लोगों की मौत। अभी जो रैलियां हो रही है उसमें क्या भीड़ नहीं होती क्या? कोरोना अब मौत का तांडव कर रहा है। अगर अभी भी सावधान नहीं हुए तो आपके साथ आपके अपनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बिहार में आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना ने 41 लोगों की जान ले ली और 7487 लोगों को पॉजिटिव कर दिया। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन इसमें राहत की बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने जांच ही कम कर दी है। बीते दिन बिहार में 1,604 लोगों की जांच कराई गई थी तो कुल 8,690 पॉजिटिव केस मिले थे। वहीं झारखंड के कई जिलों में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति रांची की बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 4,290 नए पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। इनमें से रांची से 1,404 लोग शामिल है तो वहीं 46 लोगों की जान गई। इनमें 14 मृतक रांची के हैं, जबकि धनबाद, कोडरमा और लोहरदगा के 3-3 मृतक हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तमाम जो त्यौहार हैं, तमाम जो पर्व हैं चल रहे हैं या निकल चुके हैं, सभी त्यौहारों पर कोरोना का साया दिख रहा है। कोरोना अब महामारी का रूप फिर से लेता जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना के भी तमाम वेरिएंट आ चुके हैं और हाहाकार मचा रही है वैश्विक महामारी, इसे कोरोना का असर हर चीज़ पर पड़ रहा है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, शिक्षा हो या फिर कोई धार्मिक से जुड़ी हुई चीज़ हो, सभी चीज़ों पर कोरोना का असर पड़ रहा है। और जिस तरीके से दरों में वृद्धि होती जा रही है, चाहे वो मृतक की दर हो, आंकड़ों की दर हो, तमाम तरीके की जो वृद्धि देखी जा रही है बिहार में खासकर, कि वहाँ कहीं ना कहीं सख्ती बरतने की अब आवश्यकता है। सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से अभी त्यौहार निकले हैं, चैती छठी निकली है, नवरात्रि चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं, तो जिस तरीके से लोग, कहीं देखा जा रहा है कि लोग इसमें घर में बैठे हुए हैं, घर में पूजा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जहां देखा जा रहा है कि लोग बेपरवाह बने हुए हैं और बेकाबू वायरस तांडव मचाता जा रहा है। 24 घंटे की अगर बात करें तो 41 मौतों की सूचना मिली है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, आधिकारिक तौर पर आंकड़ों में कमी बताई जा रही है, उस तरीके से आंकड़े आधिकारिक रूप से नहीं बताए जा रहे हैं जो असल में देखने को मिल रहे हैं। शमशान घाट में जाकर देखें तो तमाम जो शव वहां जलाए जाते हैं, जिस तरीके से पूरा माहौल देखने को मिलता है, बेहद ही भयावह और बेहद ही डरावना माहौल ये नज़र आता है। 24 घंटे में 41 लोगों की जो मौत की सूचना मिली है, अब जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इस पे सख्त पहल करने की ज़रूरत है। हालांकि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना का असर कम हो जाएगा या फिर
नाइट कर्फ्यू की वजह से कोरोना पर रोक लगेगी, क्या लोग नाइट कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं और कितना समन्वय सरकार और जनता के बीच में देखा जा रहा है। जिस तरीके से वायरस बेकाबू हो रहा है, लोग भी बेपरवाह नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों के मन में भी डर आने लगा है कि यदि कोरोना हो गया तो उसका इलाज संभव नहीं है। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तमाम जो गाइडलाइन बनाई गई है कोरोना के लेकर, तमाम गाइडलाइन का पालन करने की बात जनता करती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिखता है। सरकार पालन करवाती है लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। यदि कोरोना गाइडलाइन का पालन लोग करते हैं तो इतना भयावह स्थिति पैदा नहीं होती। तो कहीं ना कहीं लापरवाही बनी हुई है। तमाम जो त्यौहार देखे गए हैं, होली के बाद खासकर देखा जाए जिस तरीके से आंकड़ों में वृद्धि हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इसको मान सकते हैं, यही सवाल खड़ा होता है कि क्या त्योहारों की वजह से ये पूरे जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं, या फिर जिस तरीके से पलायन बढ़ रहा है इसकी वजह से पूरे आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। त्योहारों पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार प्रशासन ही जब सतर्क नहीं है, जिस तरीके से चैती छठ पे मंदिरों से और दिखाया गया था गंगा नदी किनारे से, नवरात्रि पे दिखाया गया था, तस्वीरों में लाइव दिखाया गया था कि लोग बेपरवाह बने हुए हैं, गंगा घाट पर लोग मौजूद हैं और किस तरीके से प्रशासन की भी वहाँ मौजूदगी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब प्रशासन की तरफ से सख्ती नहीं बरती जा रही है, प्रशासन की मौजूदगी वहाँ पर नहीं देखी जा रही है, तो कैसे इस पर काबू किया जा सकेगा। तो आपको बता दें कि 83,361 लोगों की जांच की गई है और जिस तरीके से, हालांकि अब मामले कम देखने को पहले से मिल रहे हैं, लेकिन यही बात सामने आ रही है कि प्रशासन की तरफ से जांच कम कर दी गई है, इसलिए मामलों में कमी आ रही है। हालांकि अगर जांच को बढ़ा दिया जाएगा तो मामले फिर से आंकड़ों में उछाल देखने को मिलेगा और मौतों की दर हो या रिकवरी रेट हो, रिकवरी रेट कम होती जा रही है, मौतों की दर बढ़ती जा रही है, आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन आज प्रमुख मुद्दा यही है कि क्या होली के बाद जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं, प्रमुख कारण त्यौहार है आंकड़े बढ़ने का। इस खबर की तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से होली के बाद खासकर देखा जा रहा है कि आंकड़ों में कोरोना के उछाल आया है, तो क्या एक बड़ा कारण आंकड़े उछाल में होली का माना जा सकता है कि होली की वजह से जो तमाम तरीके के आयोजन किए गए हैं, होली के कार्यक्रम किए गए हैं, उसके बाद कोरोना विस्फोट हुआ? होली एक बहुत बड़ा इशू नहीं है कि अगर आप देखें तो बहुत सारे राज्यों में नहीं मनाया जाता है। जिन राज्यों में आंकड़ा ज्यादा है उन राज्यों में आप देखें कि होली की वैसी धूम नहीं होती है। हालांकि बिहार, झारखंड और यूपी के स्टेट ऐसे हैं जहां होली का प्रभाव रहता है, लेकिन कई ऐसे स्टेट भी हैं जहां होली का प्रभाव नहीं भी रहता है, उसके बावजूद भी कोरोना का जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। तो सिर्फ होली को इसका श्रेय देना बिल्कुल सही नहीं होगा और होली त्योहार को इसका, कोरोना के विस्फोट का दोष देना ठीक नहीं होगा। जिस तरह से लोग लापरवाह हो गए थे, आप देखेंगे कि पिछले साल लॉकडाउन लगा था, उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो धीरे धीरे आप चाहे दशहरा का त्योहार हो, छठ का त्योहार हो, या फिर बाजारों में अन्य जो कार्यक्रम हो रहे हैं, या फिर जितने भी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, उन तमाम जगहों पे जो लॉकडाउन की के बाद की स्थिति थी वो काफी भयावह हो गई थी। लोग इस चीज को गंभीरता से लेना छोड़ दिए थे, कोरोना बिल्कुल उनके मन से निकल गया था और कोई भी नियमों का पालन ना हो रहा था। आप देखेंगे ना सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा था, ना मास्क का प्रयोग किया जा रहा था और ना ही हैंड सैनिटाइजर का कोई उपयोग कर रहा था किसी से मिलने के बाद। परिणाम उसी का सबसे ज्यादा विस्फोट हुआ कि हालांकि सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही सचेत किया था विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों ने कि कोरोना का दूसरा
विस्फोट भी हो सकता है और उसका काफी दुर्गामी परिणाम देखने को मिल सकता है, लेकिन लोग इसको काफी हल्के में ले रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बेपरवाह लोग दिख रहे थे इस बीच में, जब धीरे धीरे लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट रही थी, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को यही लग रहा था कि कोरोना अब खत्म हो गया है और कोरोना अब वापस नहीं आएगा। होगा तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों को होगा, लेकिन लोगों के मन से ये पूरी तरीके से डर जा चुका था कि कोरोना वापस इस तरीके से, इस भयावह स्थिति से वापस लौटेगा। जी बिल्कुल, लोगों के मन से पूरी तरह से डर खत्म हो गया था और यही परिणाम है कि आप देखेंगे कि जो स्थिति आज भयावह हो गई है और विकराल रूप पकड़ ली है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग काफी निश्चिंत हो गए थे। और अब जब स्थिति भयावह हुई है तो लोग सेल्फ लॉकडाउन की, शादी ब्याह में कमी की, तमाम तरह की कवायद की जा रही थी उस समय। ना तो सरकार के तरफ से बहुत ज्यादा कोई कड़ा निर्णय लिया जा रहा था, ना ही सरकार के तरफ से कोई बहुत ज्यादा कठोर कदम उठाए जा रहे थे, और ना ही आम जनता इन नियमों का पालन कर रही थी। परिणाम ये हुआ कि जो आप देखेंगे कि विस्फोट हुआ है और अभी जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ गया है और स्थिति जो है वो काफी भयावह हो गई है। अब जब सेल्फ लॉकडाउन की बात हो रही है, सरकार ने कड़े निर्णय लिए हैं, शादी ब्याह में लोगों की संख्या लिमिट कर दी गई है, जो धार्मिक आयोजन है, चाहे रामनवमी की बात करें, झारखंड में सरहुल का त्योहार होता है, उन सब में भीड़ के जुलूस निकालने की पाबंदी लगा दी गई थी। तो अब धीरे धीरे आपको कमता हुआ नजर आएगा। जी, लेकिन पाबंदी तो लगाई गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला था कि छोटे मोटे आयोजन किए जा रहे थे और जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जा रहा था। वही मैं बता रहा हूं आपको कि पाबंदी लगाई नहीं गई थी, बल्कि अब पाबंदियां लगाई गई हैं। और जब पाबंदियां लगाई गई है तो सरकार के तरफ से आपको बता दे कि अब जब कड़ाई की गई है तो आप देखेंगे कि जितना भी आंकड़ा बढ़ा है या कोरोना जो विस्फोट हुआ है इन 10 दिनों में 15 दिनों में सबसे ज्यादा हुआ है। अब जब धीरे धीरे नियम को कड़ा किया जा रहा है, प्रशासन के तरफ से कड़ाई की जा रही है, आम लोगों के तरफ से जो सेल्फ लॉकडाउन की बात की जा रही है या फिर उनके तरफ से भी सावधानियां बरती जा रही है, तो आगे आने वाले 10 दिनों में आप देखेंगे कि आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे कमेगा। अभी जो मरीज है, जो संक्रमित हो गए, उनको ठीक होने में लगभग 15 दिनों का समय लगता है, कोई अस्पताल में भी भर्ती है उनको भी 10 से 15 दिन रिकवरी में लग रहा है दोबारा से निगेटिव आने में, तो आंकड़ा उसी समय का बढ़ा हुआ है। अब अगर तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही है या बरती जाएंगी और उसका पालन किया जाएगा तो आप देखेंगे कि आगे आने वाले 10 दिनों में धीरे धीरे ये आंकड़ा जो है संक्रमित मरीजों की संख्या का, राजीव जी जिस तरीके से अभी आंकड़ा बड़ा हुआ था मौत की अगर बात करें तो 41 मौतों की सूचना 24 घंटे के अंदर मिली है, तो जिस तरीके से ये मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना संक्रमित के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति क्या आ सकती है इस दौरान? लॉकडाउन के विपक्ष जो है सरकार को सलाह दे रही है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया जाए और तमाम तरीके के सख्त कदम उठाए सरकार। देखिए, सरकार आकलन कर रही है तमाम चीजों का, सिर्फ विपक्ष के कहने से और किसी के कहने से लॉकडाउन लगा दिया जाए उसका समाधान नहीं है। लॉकडाउन अगर सरकार लगाती है तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा, आम लोगों को जो घरेलू चीज है उनकी दिक्कतें ना हो उसको कैसे देखा जाएगा, जो मरीज अस्पताल जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको कैसे ट्रांसपोर्टेशन मिले, उनको दिक्कतें ना हो उनका ध्यान रखना होगा, जो डेली कमाने काम खाने वाले लोग हैं जो प्रतिदिन अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं उनको कैसे सरकार पेट भरने का उपाय करे, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो ताकि वो भोजन कर पाए दो टाइम का, वो ध्यान रखना होगा। तो लॉकडाउन समाधान है, लेकिन लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ तत्काल कर देने से समाधान नहीं निकलेगा, उसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी और सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। हालांकि सेल्फ लॉकडाउन एक अच्छा विकल्प है, आम लोग खुद जागरूक हो रहे हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को अपने पास रख के सेल्फ लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं, तो सरकार की के ऊपर भी प्रेशर कम पड़ रहा है। लेकिन अब ये देखना है, हालांकि खबरें ये आ रही है कि सरकार लॉकडाउन लगा सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी ना तो हम करते हैं और ना ही हमारा चैनल वीआईपी न्यूज करता है इसकी पुष्टि। जब तक सरकार का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम कोई भी उस तरह की खबरें नहीं दिखाएंगे जिससे स्थिति पैनिक हो। हालांकि कुछ समाचार पत्रों में और कुछ चैनलों के द्वारा लगातार इस तरह की खबर दिखाई जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और सरकार इसकी पुष्टि करेगा उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि लॉकडाउन कैसे लगाया जाएगा
क्या उसका क्राइटेरिया होगा, कितने दिनों का लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन के दौरान क्या क्या नियम होंगे, इन तमाम चीजों के लिए सरकार समय देगी और उसके बाद ही लॉकडाउन लगाया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव जी, कहीं भी लोगों को इस दौरान घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार जब भी लॉकडाउन लगाएगी, आधिकारिक घोषणा सरकार की तरफ से कर दी जाएगी, ताकि और बीच में समय भी दिया जाएगा ताकि लोग अपने अपने घरों पर वापसी कर सके। हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ समस्तीपुर से संवाददाता केसर खान भी जुड़े हुए हैं। केसर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार आंकड़ों में वृद्धि देखने को मिल रही है, और हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ से जिस तरीके से कहा गया कि पर्व होली इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जब से विस्फोट हुआ है, तो समस्तीपुर की अगर बात की जाए तो किस दिन से या किस समय से लगातार विस्फोट होना शुरू हुआ? बिल्कुल, देखा जाए तो कोरोना काल की जो दूसरी लहर जो शुरू हो चुकी है, और इसमें जो है कि पूरे बिहार ही नहीं कई राज्यों के अंदर जो है कोरोना का जो है प्रकोप जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, और लोग की परेशानियां भी इसके साथ साथ बढ़ती जा रही है। बात करें समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर के अंदर भी जो होली के त्योहार के बाद से जो लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया, और उसके बाद से जो है लगातार जो है होली के 3-4 दिन के बाद जो है कोरोना संक्रमण के जो मरीजों की संख्या लगातार इजाफा हो गया और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन के अंदर 50 के करीब मरीज पहुंच रहे हैं, और अभी तक की जो संख्या है समस्तीपुर की वो आपको 600 के पार हो चुकी है। ये तो कहीं ना कहीं होली एक ऐसी वजह मानी जा सकती है समस्तीपुर के अंदर जब से लोगों का आना शुरू हुआ है और कोरोना का विस्फोट शुरू हुआ। जी बिल्कुल, देखा जाए तो होली का त्यौहार एक बड़ा त्यौहार था जो कि लोग बाहर रह रहे थे और बाहर से अपने घरों के अंदर जो त्यौहार मनाने के लिए आए थे, और इसी के दौरान जो है जहां सरकार है उसके बाद जो है कि कोरोना का संक्रमण जो है धीरे धीरे और तेजी से बढ़ने लगा है और बढ़ता ही जा रहा है, अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी को लेकर सरकार की जो बहुत सारी जो अभी जो सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है, रात के 9 बजे के बाद जो कर्फ्यू का किया गया है, ऐसे ही जो व्यवस्था जो देखने को मिल रही है। मगर एक चीज देखा जा रहा है, समस्तीपुर की बात हम करें तो आज भी लोगों के अंदर जो कोरोना के प्रति वो डर वो खौफ नहीं है, जिससे कि इतनी बड़ी बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, कई लोगों की जाने भी जा चुकी है, मगर लोगों के चेहरे पे वो मास्क जो जिससे इसका बहुत दूर देर तक बचाव किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है, उनके चेहरे पे नजर नहीं आ रही है। सोशल डिस्टेंस की बात करें तो देखने को नहीं मिल रहा है, और लगातार जो है कि आंकड़ा जो है दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद केसर खान संवाददाता हमारे साथ समस्तीपुर से जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए। राजीव जी, आपके पास वापस लौटना चाहेंगे। जिस तरीके से समस्तीपुर से केसर खान हमारे जो संवाददाता जुड़े हुए थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि समस्तीपुर में ऐसा माना जा सकता है कि होली एक बड़ा त्यौहार था जब से लोगों का आना शुरू हुआ और विस्फोट शुरू हुआ, तो अभी अगर देखा जाए तो तमाम पर्व चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, चैत्र नवरात्रि चल रही है, चैती छठी अभी निकली है, तो जिस तरीके से ये तमाम पर्व चल रहे है, इसी बीच में दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 6 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है, तो अगर यहां झारखंड की बात की जाए, यहां पर त्योहारों के मद्देनजर क्या कुछ देखने मिल रहा है, कितने जागरूक लोग हैं? देखिए, सरकार इस मामले में कुछ दिन पहले ही तमाम जो गाइडलाइन थे वो जारी कर चुकी थी। छठ को लेकर भी गाइडलाइन जारी किया गया था कि घाटों पे जाके छठ नहीं करना है, हालांकि काफी दबाव के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया था और कहा था कि घाट पे आप जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा भीड़ वाला त्योहार होता है रामनवमी का जुलूस, कल ही के दिन 21 तारीख को निकाला जाता है, आज 20 तारीख है, कल रामनवमी के जुलूस निकलेंगे, तमाम जो अखाड़े हैं रांची के वहां से झंडे जाते हैं, और तपोवन मंदिर चुटिया में स्थित है निवारणपुर में, वहां जाता है सभी अखाड़ों का झंडा, और उसके साथ बड़ी बड़ी जुलूस जाती है, तमाम होते हाथी घोड़ा और गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला जाता था। लेकिन इस बार सरकार ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया था कि कोई भी अखाड़े से जुलूस नहीं निकलेगा, और कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस बार जो है पिछले बार लॉकडाउन था उस दौरान भी जुलूस नहीं निकाला गया था, लेकिन इस बार लॉकडाउन नहीं होने के बावजूद भी सरकार ने यह गाइडलाइन जारी किया था कि रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा। इसके साथ साथ झारखंड में चूंकि आदिवासियों की बहुलता है और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार सरहुल होता है, सरहुल को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था, क्योंकि सरहुल में भी काफी संख्या में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पे निकलते हैं, जुलूस निकलता है, और लोग प्रकृति के प्रति पूजा करते हैं और नाच गान करते हैं जुलूस में।
लेकिन इस बार जब सरकार ने ये गाइडलाइन जारी कर दिया है कि सरहुल का भी जुलूस नहीं निकलेगा कोरोना को देखते हुए, तो सरकार के तरफ से पर्व त्योहार पे जो रोक टोक है वो लगाई गई है, गाइडलाइन जारी की गई है ताकि कोरोना के प्रभाव को रोका जा सके। और आम लोगों ने भी इसका बढ़ चढ़ के समर्थन दिया है। आप देखेंगे कि कहीं से भी बहुत ज्यादा वैसी खबरें नहीं आई है, पूरे झारखंड की बात करें कि जुलूस निकल रहा हो या फिर सरहुल का त्योहार जुलूस के साथ मनाया जा रहा हो। तो एक अच्छी पाल ये है इस बार की, और एक अच्छी बात ये हो रही है कि आम लोग खुद बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, खुद सेल्फ लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं और खुद सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं और खुद से ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोरोना के प्रभाव से बचा जा सके। हालांकि एक इसमें सबसे बड़ा कारण जो ये भी है कि इस बार जो मौतों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है और जो आंकड़ा है कि अस्पतालों में जगह नहीं मिल रहा है, शमशान घाट खुल रहे हैं, तो ये भी एक लोगों के अंदर मन में डर भय बन गया है कि अगर वो संक्रमित हो जाते हैं और अस्पताल में भर्ती होने की बात होती है तो अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगा, इसलिए भी लोग डर से। जी राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ समस्तीपुर से हमारे ब्यूरो चीफ लाला जोबिन भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से राजीव जी के द्वारा कहा गया है कि लगातार लोगों के मन में जो डर का माहौल है वो अब बनता जा रहा है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तमाम जो कमियां देखने को मिल रही हैं, लोग डरने लगे हैं। बिल्कुल आशा, इस तरह से जो देखा जा रहा है झारखंड सरकार में जो इस तरह से कोरोना का जो है संक्रमण लगातार फैलता चला जा रहा है और बेड की संख्या घटती चली जा रही है, साथ साथ मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, अगर किसी को बेड मिल जाता है तो उसकी उसका इलाज अच्छे से नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, तो सभी को लेकर के जो अभी तक जो सरकार है, सरकार जिस तरह से लगातार जो है वो बैठकें कर रही है लेकिन अभी तक जो है इस तरह का मामला सामने नहीं आया है कि जमशेदपुर में यानी यहाँ झारखंड में लॉकडाउन हो जाए। यहाँ पे अभी लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न नहीं की गई है लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो मामला सामने आ रहा है, संक्रमणों की संख्या बढ़ती जा रही है तो उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं झारखंड में भी आगे यानी आगे आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से पिछले बार कहना है सरकार का कि जिस हम लोग पिछले साल जो लॉकडाउन लगाया गया था उससे सीखे हैं लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। जी सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन अभी नहीं लगाया जाएगा, अगर आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है तो विचार किया जाएगा इस पूरे पर, लेकिन रात कर्फ्यू जो लगाया गया है नाइट कर्फ्यू में, और यहाँ पर अगर झारखंड में देखा जा रहा है तो जिस तरीके से लोग सेल्फ लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक काफी अच्छी खबर है। हाँ बिल्कुल आशा, जिस तरह से यहाँ पे जो सेल्फ टाइप से लोग अपने आप को ही बांध रहे हैं क्योंकि लोग अंदर आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक दिन का एक घोषणा कर दिया है कि एक दिन बंद रहेगा पूरा, यानी पूरा यानी जमशेदपुर अभी बंद है तो, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कह रहे हैं कि हम लोग को सेल्फ अपने से अंदर में रहना होगा, ये वो सभी को नसीहत दी जा रही है। लेकिन वहीं पे देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन भी बिल्कुल मुस्तैद दिख रहा है। आज जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो है वो मेडिका अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं और निरीक्षण करने पहुंचने के बाद वो अब ये 80 बेड का जो है वो लोगों के यानी मरीजों के लिए 80 बेड मुहैया यहाँ पे हो रहा है। साथ साथ जिस तरह से देखा जा रहा है MGM हॉस्पिटल अस्पताल और सदर अस्पताल सभी जगहों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उस तरह से यहाँ पर लोग सरकार भी चाह रही है कि हर चीज हम लोग मुहैया करा दे ताकि मरीजों की संख्या जो इजाफा हो रहा है उसे किसी तरह की दिक्कत नहीं हो पाए, ऑक्सीजन मिल पाए, अच्छे से बेहतर इलाज हो सके। तो ये सब जिला प्रशासन कर रही है और सरकार का भी कहना है कि लगातार बेड बढ़ाया जाए, मरीजों को देखा जाए, ऑक्सीजन जो है जितना भी है आपको वो सब बढ़ाया जाए। तो है एक, लेकिन ये जो है लॉकडाउन लगा करके चेन तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन कहा जाए आप जिस तरह से पिछली बार जो पिछले लॉकडाउन में लोगों को नसीहत मिला था कि जिस तरह से भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो नहीं इस बार हो, इसीलिए इस बार जो है झारखंड में अब आधे दिन का मिनी लॉकडाउन कर सकती है सरकार,
इस पे अभी जी तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी जमशेदपुर में नहीं चाह रही है कि कोरोना केसेस ज्यादा बढ़े और किसी भी तरीके से बस प्रशासन जो है कोरोना केसों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद लाला चुपिन हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। राजीव जी, जिस तरीके से कहा गया है लाला चुपिन जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी उनके द्वारा कि जमशेदपुर में लगातार कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरीके की सुविधाएं लोगों को देने के लिए, तमाम तरीके की कोई भी परेशानी लोगों को ना हो, तमाम व्यवस्था देने के लिए लगातार कोशिश जिला प्रशासन कर रहा है, लगातार सक्रिय दिख रहा है। तो अगर रांची की बात की जाए, रांची का जो सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है रिम्स, वहां की अगर बात की जाए तो वहां का व्यवस्था कैसा दिख रहा है? देखिए रिम्स, चूंकि जितने भी मरीज झारखंड के हैं उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि रिम्स में इलाज कराए, क्योंकि सरकारी अस्पताल जरूर है लेकिन यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के डॉक्टर इतने चुस्त दुरुस्त होते हैं कि रिम्स में हर कोई इलाज कराना चाहता है। खासकर वीआईपी लोगों की बात छोड़ दे, वो तो अलग इशू है, लेकिन साधारण लोगों के लिए जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए रिम्स एक भगवान की तरह है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है कि रिम्स में आप देखेंगे कि बेडों की संख्या लिमिट होने के कारण तमाम जो राज्य से भर से मरीज जो आ रहे हैं और भर्ती हो गए हैं, अब स्थिति ये हो गई है कि रिम्स में भी बेडों की संख्या ना के बराबर है। ऐसे में रिम्स प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए है और जो मरीज भर्ती हैं उनका भी इलाज बेहतर तरीके से करना है, तो तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं और इसी दिक्कतों के कारण बार बार आगाह किया जा रहा है और लोग भी समझ रहे हैं, लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि स्थिति काफी भयावह है और इसी कारण से देखिएगा कि जागरूकता आई है, जागरूकता सिर्फ और सिर्फ लोगों के विवेक कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है राजीव जी कि प्रशासन जो है लोगों को जागरूक करने में कामयाब रही है और लोग इस पूरे जो है कोरोना को लेकर जागरूक हो चुके हैं और अपने आप को ही अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा बाहर ना जाए और अंदर ही रहे जितना हो सकता है। ये बिल्कुल प्रशासन के तरफ से लॉकडाउन की बात नहीं की गई लेकिन उसके बावजूद भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है, सेल्फ लॉकडाउन की बात की जा रही है, तो लोगों के अंदर जो डर है उसी का परिणाम है। पिछले बार देखेंगे कि प्रशासन काफी कड़ाई की थी लेकिन उसके बावजूद भी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पिछली बार की अगर बात की जाए कि तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जितनी सख्ती की गई थी उसका असर देखने को मिला था और लॉकडाउन लगा दिया गया था, अब वो स्थिति ना बने इसलिए लोग स्वयं ही जागरूक हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।